हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रियलमी कंपनी ने अब हाल ही में अपनी रियलमी GT और GT मास्टर एडिक्शन स्मार्टफोन को लॉन्च किया है, जो कि दोस्तों मार्केट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि दोस्तों इनके अंदर आपको कंपनी ने बढ़िया फीचर्स प्रोवाइड कराए हैं। लेकिन दोस्तों, अब इन दोनों ही स्मार्टफोन के सक्सेस के बाद रियलमी कंपनी अपनी GT सीरीज के अंदर एक और नया स्मार्टफोन लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी की लीक्स डिटेल के मुताबिक रियलमी कंपनी जल्द ही अपने नए स्मार्टफोन रियलमी GT नियो गेमिंग या नियो 2 स्मार्टफोन को लेकर आ रही है, जो कि दोस्तों कंपनी का एक बढ़िया और अच्छा पावरफुल स्मार्टफोन होने वाला है। और इसके साथ ही दोस्तों, इस स्मार्टफोन का लुक और इसका डिजाइन अब की बार और भी बढ़िया होने वाला है। तो दोस्तों, अब रियलमी कंपनी के इस नए स्मार्टफोन को लेकर लगभग सभी कन्फर्म स्पेसिफिकेशन भी सामने आ चुकी है और इस स्मार्टफोन के कैमरा का डिजाइन भी साफ हो गया है, क्योंकि दोस्तों कंपनी ने इस स्मार्टफोन के कैमरा डिजाइन को रिवील कर दिया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन, इसके फीचर्स, इसके प्राइस और इसकी लॉन्च डेट आदि के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी रियलमी कंपनी के फैन हैं और आप एक बढ़िया और अच्छा पावरफुल स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों बने रहिए आप इस वीडियो में एंड तक। और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे स्मार्टफोन के लुक और इसके डिजाइन के साथ। तो दोस्तों, स्मार्टफोन के फ्रंट पैनल के ऊपर भी आपको पंच होल कटआउट देखने को मिलेगा, जो की कर्व्ड पैनल के साथ आएगा। और इसके साथ ही दोस्तों, इसके बैक पैनल के ऊपर आपको ट्रिपल कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अब की बार स्मार्टफोन का कैमरा का डिजाइन अलग टाइप का होने वाला है, जो कि दोस्तों आप वीडियो में देख भी सकते हैं। और दोस्तों, अगर इसके फीचर्स के बारे में बात की जाए, तो दोस्तों कंपनी की लीक्स डिटेल के मुताबिक इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी 6.62 इंच की फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले देने वाली है, जो की 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ होगी और इसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 होगा। और इसकी कॉर्निंग के ऊपर आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा और इसके अंदर आपको 120Hz रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों, डिस्प्ले के मामले में स्मार्टफोन बढ़िया रहने वाला है। इसके अंदर आपको कंपनी फुल साइज की बड़ी डिस्प्ले प्रोवाइड कराएगी, जो कि सुपर एमोलेड के पैनल के साथ आएगी। और इसके अंदर आपको दोस्तों बेजललेस डिस्प्ले देखने को मिलेगी और इसके साथ ही इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, डिस्प्ले के मामले में स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा। इसके अंदर आपको कंपनी फुल साइज की बड़ी डिस्प्ले प्रोवाइड कराने वाली है। और दोस्तों, अगर बात की जाए स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर आपको कंपनी ट्रिपल कैमरा सेंसर देने वाली है, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा प्रोवाइड करा सकती है। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी कैमरा सेंसर भी बढ़िया देने वाली है और इसके साथ ही दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कई बढ़िया बढ़िया फीचर्स प्रोवाइड करा सकती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कैमरा के मामले में स्मार्टफोन आपके लिए बढ़िया रहेगा। और दोस्तों, अगर बात की जाए स्मार्टफोन के वेरियंट के बारे में, तो दोस्तों कंपनी की लीक्स डिटेल के मुताबिक इस स्मार्टफोन को कंपनी मार्केट में 8GB और 12GB रैम के साथ उतारने वाली है, जिसके साथ आपको 128GB और 256GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, मार्केट में स्मार्टफोन को कंपनी 2 वेरिएंट में उतारने वाली है। और दोस्तों, अगर इसके प्रोसेसर के बारे में बात की जाए, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी स्नैपड्रैगन का पावरफुल चिपसेट प्रोवाइड कराने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ओक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 870G का चिपसेट देने वाली है और यह मोबाइल एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करेगा। और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको एडिनो 650 का GPU देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी स्नैपड्रैगन का बढ़िया और अच्छा पावरफुल प्रोसेसर प्रोवाइड कराने वाली है, जिससे दोस्तों यह स्मार्टफोन आपको जबरदस्त गेमिंग परफॉर्मेंस देने वाला है। तो दोस्तों, स्मार्टफोन के प्रोसेसर की तरफ भी आपको देखने की जरूरत नहीं होगी, इसके अंदर आपको बढ़िया प्रोसेसर मिल जाएगा। बैटरी की बात की जाए, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी 65 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5000mAh की पावरफुल बैटरी भी प्रोवाइड कराने वाली है। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको पावरफुल बैटरी और बढ़िया फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिससे दोस्तों आपका स्मार्टफोन लॉन्ग पावर बैकअप देने वाला है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए, तो दोस्तों रियलमी कंपनी अपने इस नए स्मार्टफोन के अंदर आपको जबरदस्त फीचर्स प्रोवाइड कराएगी और इस स्मार्टफोन का लुक और इसका डिजाइन भी दोस्तों मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। बाकी दोस्तों, अगर स्मार्टफोन की लॉन्चिंग डेट की बात की जाए, तो दोस्तों वैसे तो स्मार्टफोन की लॉन्चिंग डेट अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन दोस्तों जिस तरह से स्मार्टफोन की एकदम से लीक्स फोटो और डिटेल सामने आई है, उसके मुताबिक यह स्मार्टफोन आपको मार्केट में जल्द ही देखने को मिल जाएगा। और इंडियन मार्केट के हिसाब से स्मार्टफोन का प्राइस लगभग 35,000 रुपए के आसपास होने वाला है। तो दोस्तों, आपको यह स्मार्टफोन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।